हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट चैंपियन। इस चैनल पर सिर्फ मल्टीबैगर स्टॉक से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को समय पर दी जाती है, ताकि आप लोग का सपना जो है लाख करोड़पति बनने का शेयर मार्केट के जरिए बड़ी आसानी से पूरा हो सके। इसीलिए इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक और उससे जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने में जरा भी देरी ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं याशु इंडस्ट्री शेयर के बारे में, जिसमें पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये शेयर अपर सर्किट में है। आप लोग को बताया जाएगा दोस्तों, ये शेयर में इतनी तेजी क्यों बनी हुई है। इसके अलावा याशु इंडस्ट्री जो है किस तरह का बिजनेस करती है, कौन कौन से केमिकल बनाती है, कौन कौन से इसके क्लाइंट्स हैं, इसके केमिकल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कितने कंट्रीज में ये केमिकल्स को एक्सपोर्ट करती है, क्या याशु इंडस्ट्री का शेयर फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर है, क्या इसका शेयर प्राइस डबल होगा तो कितने टाइम में होगा, ये सभी जानकारी के लिए वीडियो से बने रहिए दोस्तों। याशु इंडस्ट्री में जो शानदार तेजी बनी हुई है, उसके पीछे का मेन रीजन जो है वो है याशु इंडस्ट्री द्वारा पेश किए गए Q3 के शानदार नतीजे। आइए एक बार जरा देख लेते हैं किस तरीके के नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ इस क्वार्टर में कंपनी को। Q3 में कंपनी को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ 163 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 134 करोड़। Q1Q अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था 92 करोड़ का, 92 करोड़ से बढ़ के 163 करोड़, अच्छा खासा जंप हम लोग को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों एक बार टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम एक क्वार्टर में कंपनी हुई 166 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 137 करोड़, पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 97 करोड़। यानी कि टोटल इनकम में भी चाहे आप Y-on-Y देख लीजिए, चाहे आप Q-on-Q देख लीजिए, अच्छा खासा जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, एक्सपेंसेस में जो है इस क्वार्टर में कंपनी को 148 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 119 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 83 करोड़। इसमें भी जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है, चाहे हम Q-on-Q देखें, चाहे हम Y-on-Y देखें। नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी को कितना हुआ है इस क्वार्टर में 14.49 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 13.56 करोड़, वही पिछले साल सेम क्वार्टर में था 6.36 करोड़ का। यानी कि शानदार जंप इसके Y-on-Y हम लोग को याशु इंडस्ट्री के रिजल्ट में दिखाई दे रहा है, डबल से भी ज्यादा। इसी तरीके से Q-on-Q देखें तो उसमें भी शानदार जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कितना परसेंट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जिससे कि हम इजीली रिजल्ट्स को समझ सके। देखिए दोस्तों, याशु इंडस्ट्रीज के जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 69% जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है 9 मंथ्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो। एबिटा में 90% का जंप, सेल्स वॉल्यूम में 50% का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली रिवेन्यू में देखें तो हम इसमें 70% का जंप इसके रिवेन्यू में दिखाई दे रहा है। एबिटा में 82% का जंप और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 128% का धमाकेदार जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है पिछले साल के क्वार्टर से अगर इस साल के क्वार्टर को मिलाते हैं तो। यानी कि रिजल्ट बेहद शानदार पेश किए हैं कंपनी ने। वहीं दोस्तों 9 मंथ्स का अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें रिवेन्यू में 68% का जंप और एबिटा में 89.7% का जंप और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 216.8% का जंप। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने गुना इसने अपना प्रॉफिट को बढ़ा लिया है। आइए दोस्तों आप देख लेते हैं याशु इंडस्ट्री कंपनी जो है ऐसा कौन से केमिकल बनाती है जिसमें इतना ज्यादा जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है उसके प्रॉफिट में। देखिए दोस्तों, याशु इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल को। याशु इंडस्ट्री जो है 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में केमिकल्स को एक्सपोर्ट करती है, 5 वर्टिकल्स में ये काम करती है। कौन कौन से है वो भी आप लोग को बताएंगे। टोटल प्रोडक्ट्स जो ये बनाती है उसमें 148 प्रोडक्ट शामिल है। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि गुजरात में स्थित है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है याशु इंडस्ट्रीज को, यह कोई नई कंपनी नहीं है, 1985 से कंपनी इस बिजनेस में है। देखिए दोस्तों, 5 वर्टिकल जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें वर्टिकल्स जो है ये है कुछ इस तरह। पहला है अरोमा केमिकल्स, दूसरा है फूड एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा रबर केमिकल, चौथा लुब्रिकेंट एडिटिव्स, पांचवा जो है स्पेशलिटी केमिकल्स। देखिए दोस्तों शानदार इसके क्लाइंट्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट्स है, चाहे वो MRF कंपनी हो, अपोलो टायर, JK टायर, सीएट टायर, कोलगेट, कॉन्टिनेंटल टायर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बालमीर एंड लौरे, इंडियन ऑयल, इसके अलावा ऐसे बड़े बड़े 2000 से भी ज्यादा इसके क्लाइंट्स हैं मल्टीनेशनल। अदानी विलमेर भी इसकी क्लाइंट है। देखिए दोस्तों, याशु इंडस्ट्री का कम्पिटेटिव एज क्या है, यानी कि जो इसको बाकी कंपनी से अलग करता है, इसके प्लांट्स जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है पोर्ट के पास, जिससे कि इसे रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा जो इसके प्लांट्स हैं उसे डिजाइन किया गया है कि मल्टी पर्पस केमिकल्स को बनाने में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स को वो बना सकते हैं उस प्लांट्स में। इसके अलावा इसके डेडिकेटेड R&D सेंटर है जिसकी वजह से इस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। ये कुछ ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्राप्त है याशु इंडस्ट्रीज को। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हैं जो ये रोमा केमिकल्स बनाती है उसका इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, पेन रिलीफ, कोल्ड कफ फॉर्मुलेशंस में, इसके अलावा टूथपेस्ट में,
माउथ फ्रेशनर में। इसके अलावा जो ये फूड एंटीऑक्सीडेंट बनाती है, जैसा कि आपको सामने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं चिप्स चॉकलेट्स, इसमें ये केमिकल इसलिए डाला जाता है ताकि स्टोरेज के दौरान इसमें किसी तरह की बदबू ना हो। और जो ये रबर केमिकल्स बनाती है उसका इस्तेमाल किया जाता है सर्जिकल ग्लव्स बनाने में, बैलून्स बनाने में, लेटेक्स ग्लव्स बनाने में, बेल्ट्स, कन्वेयर होजेस, सील्स, ये सब बनाने में इसके रबर केमिकल यूज किए जाते हैं। ये जो लुब्रिकेंट एडिटिव्स बनाती है उसको लुब्रिकेंट में ऐड किया जाता है जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, चाहे वो टर्बाइन ऑयल हो, चाहे गियर ऑयल हो, चाहे हाइड्रोलिक ऑयल हो। इसके अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है उसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। आज दोस्तों थोड़े से यासमीन इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स देख लेते हैं जिससे कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगा या नहीं देगा। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2238 करोड़ की है, अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का मेंटेन है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का मेंटेन है। शेयर प्राइस का लोअर हाई देख लीजिए, लो है 190 का और हाई है 1963 का, जो कि इसने आज ही के दिन हिट किया है। इसके लोअर हाई में देखिए आप 10 गुना का फर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि एक साल में ये शेयर 10 गुना हो चुका है। फेस वैल्यू अभी 10 की चल रही है, यानी कि फ्यूचर में कभी भी स्टॉक स्प्लिट करके आपको एक्स्ट्रा शेयर का बेनिफिट भी ये कंपनी दे सकती है। आइए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज ऑन मार्च 2017 कंपनी की 195 करोड़ की सेल्स होती थी जो कि बढ़कर 359 करोड़ हो गई एज ऑन मार्च 2021। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 22 करोड़ का कंपनी को होता था, 22 करोड़ से बढ़ के 49 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट देखें तो 4 करोड़ का ही होता था, 4 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ का हो चुका है दोस्तों। 5 गुना से भी ज्यादा नेट प्रॉफिट में जंप इसने करके दिखाया है सिर्फ हमें 5 सालों में। इसी तरीके से अर्निंग पर शेयर देखें तो 0.37 रुपी का चल रहा था जो कि बढ़कर हो गया है 19.71 रुपी। इसमें भी अच्छा खासा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल से 13% की मेंटेन है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 साल से 39% की मेंटेन है। स्टॉक प्राइस का सीजीआर देख लीजिए दोस्तों, एक साल में 812% की रिटर्न दिए हैं। 3 साल से लगातार 144% पर एनम की रफ्तार से रिटर्न दे रहा है, उससे पहले के रिटर्न आप लोग को दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है। आइए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। एज ऑन दिसंबर 2021 प्रमोटर के पास 70.84% की होल्डिंग है। एफआईआई ने इसमें होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर दिया है, 0.24% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 28.92% की होल्डिंग है। आइए एक बार शेयर प्राइस का चार्ट देख लेते हैं जिसमें कि आप देखेंगे किस तरीके से यशो इंडस्ट्री ने रिटर्न बना के दिया जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। देखिए दोस्तों आज ही के दिन ये शेयर अभी भी 5% के अपर सर्किट में चल रहा है। ये शेयर सेबी की लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट 4 में चल रहा है। देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट 4 में, अगर ये शेयर लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट 4 एएसएम में नहीं होता तो सोचिए दोस्तों इस शेयर ने 20% का सर्किट लगाया होता आज, जैसे रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया उसको देख के। आइए दोस्तों एक बार रिटर्न देखिए, क्या भयानक रिटर्न बना के दिया है इसने। एक ही महीने में देखिए 60% के रिटर्न, 6 महीने में देख लीजिए, 6 महीने में 274% के रिटर्न बना के दिए हैं। पैसे को 3.7 टाइम्स कर दिया है सिर्फ 6 महीने में। एक साल में 857% के धमाकेदार रिटर्न, यानी कि पैसे को 9.5 गुना कर दिया है। 5 साल जो कि इसकी लिस्टिंग को हुए ही नहीं है, तकरीबन 3.5 साल इसकी लिस्टिंग को हुए हैं, उसमें ये 1845% के शानदार रिटर्न बना के दे चुका है, यानी पैसे को 19.5 गुना कर चुका है अपनी लिस्टिंग से सिर्फ 3.5 सालों में। और आगे भी ऐसे ही शानदार रिटर्न बना के देता रहेगा जिस तरीके से कंपनी रिजल्ट पेश कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, इस कंपनी में निवेश कीजिए। जिस तरीके के रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किए हैं उस तरीके से याशो इंडस्ट्री के शेयर में तेजी अभी बरकरार रह सकती है। जहां तक रही शेयर प्राइस डबल होने की बात, शेयर प्राइस डबल भी होगा, 10 गुना भी होगा, 20 गुना भी होगा। आप लोग पेशेंस के साथ इस कंपनी को होल्ड तो कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। जहां तक रही शेयर प्राइस डबल होने की बात, तो 6 महीने से भी कम समय में ये शेयर आप लोग को डबल होके दिखाएगा, क्योंकि बेहद शानदार कंपनी ने रिजल्ट पेश किए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हुआ है तो शेयर प्राइस भी डबल होगा ना, तो घबराइए नहीं दोस्तों। शानदार कंपनी है यशो इंडस्ट्री, इसमें निवेश कीजिए। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसे वीडियो आप लोगों से मिस हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ताकि वो लोग भी यशो इंडस्ट्री में शेयर कर में निवेश करके आप लोग की तरह लाखों करोड़ कमा सके शेयर मार्केट से। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नई शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।